गढ़वा जिला के केतार मुख्य बाजार में शराब पीकर दुकानदारों के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। शराब पीकर परिवार वालों को अभद्र गाली गलौज देने का आरोप तथा दुकानदार से लूटपाट की शिकायत की गई है। केतार थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार निवासी ज्वाला कमलापुरी ने केतार थाने में आवेदन देकर जोगियाबीर निवासी रविंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आवेदन पत्र में कहा है कि बीते 20 जून यानी दिन रविवार को समय करीब शाम के 4:20 बजे मेरे पिताजी दुकान के पास चौकी पर सोए हुए थे। उसी समय रविंद्र कुमार गुप्ता उम्र 28 वर्ष, पिता संजय प्रसाद गुप्ता एवं उनके साथ अज्ञात व्यक्ति ग्राम जोगियाबीर थाना के तार निवासी मेरे दुकान पर आया और शराब के नशे में मेरे पिताजी अमरेंद्र प्रसाद से दुकान खुलवा कर पान और ठंडे की मांग कर रहा था। मेरे पिताजी बोले, संपूर्ण लॉकडाउन के कारण मैं दुकान नहीं खोलूंगा। सामान नहीं देने की बात को लेकर उसने दुकान सील कराने को लेकर धमकी दी। उसके बावजूद भी सामान नहीं दिए जाने पर उन लोगों के द्वारा मेरे पिताजी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग एवं मारपीट किया गया। ज्वाला कमलापुरी ने आगे लिखा है कि गाली गलौज करते हुए मेरे पिताजी के गले में पहने हुए सोने की चेन रविंद्र कुमार गुप्ता छीन कर अपने पैकेट में रख लिया तथा मेरे पिताजी के पैकेट में रखे 1235 रुपए छीन लिए। हो हल्ला होने पर बीच बचाव में आया मेरे भाई को भी गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की गई। मेरे भाई राकेश कुमार को चाकू निकाल कर जान से मारने एवं रोड में चलते वक्त गाड़ी चढ़ाने की बार बार धमकी देने लगा और मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया। उन्होंने आवेदन के माध्यम से थाना प्रभारी से निवेदन किया है कि मामले की जाँच कर रविंद्र कुमार गुप्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। गढ़वा से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।